भैंस गया, महबूब नहीं आया, महबूब आए हैं। अब तो मैं काउंटिंग भूल गई हूँ कि कितने सारे कपल हो गए हैं सोशल मीडिया पे जिनके एक से ज्यादा पार्टनर्स हैं, वो भी तीनों खुश। मुझे क्यों तोड़ा? पता नहीं कौन से सैंडविच बनाना चाहते हैं ये सब। और मेरी तो किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि गलती से इनकी वीडियो आ जाती है मेरे शॉर्ट्स पे, तो मैं प्रोसेस करने में टाइम लगा देती हूँ कि इस वीडियो में हुआ क्या। और इतने में ही एल्गोरिथम को लगता है कि अरे वाह, इसको वीडियो अच्छी लगी, लगता है भर दो इसका पेज इसकी वीडियो से। तू क्या कर रहा है यार? भाई बहुत दिमाग खराब हो गया मेरा, मेरी फीड से हटा दो इन्हें, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। मैंने नॉट इंटरेस्टेड भी कर दिया, फिर भी आ रहा भाई। औकात में रहो। शिफाली कहाँ जा रही है? पागल खाने जा रही है शिफाली। पिछली वीडियो में जो पीहू थी, ये उसके जवानी के दिन है। बचपन में ही बच्चों को धनिया के साथ उबाल देने से बच्चे बड़े होकर के ऐसी हरकतें ही करते हैं। शर्म शर्म करो शर्म। रचना, मम्मी ने मेरी शादी फिक्स की है, बस उसी से मिलने जा रही हूँ। अरे शिफाली, मैं भी लड़का देखने जा रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लड़के का नाम क्या है? लकी जी। क्या, मेरी भी शादी उसी से लगी है? ये चाबी लगा के किसने लड़कियाँ छोड़ दी हैं? तो चल साथ में चलते हैं। चल। ये दोनों भी अपने कैटेगरी के हैं, लगता है इन दोनों को भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। चलता हूँ। हेलो डांसिंग डॉल्स, क्या आप दोनों मुझसे शादी करेंगी? सॉरी, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। प्लीज शिफाली, थोड़ी सी तो शादी कर लेने दे। थोड़ी सी शादी करेगी ये डांसिंग तात्या बिच्छू? थोड़ी सी ससुरा शादी नहीं हो गया है, सुट्टा हो गया है। एक सिप पिला दे भाई, थोड़ी सी पिला दे भाई। सेंस कहाँ गई सेंस? थोड़े से कम गोबर के नशे किया करो बहन। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से तुम्हारे गली के कुत्तों ने अपने अपने घर में पनाह ले लिया कि नहीं भाई बाहर निकलेंगे तो कहीं ये काट ना ले। इन्होंने सोचा कि आज वीडियो बनाना है, एक्सप्रेशन एकदम फाड़ देंगे। जोर से सुसु वाला एक्सप्रेशन दे दिया। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? बेटा सुन ना, बेटा सुन तो। हाँ जी मम्मी, क्या है बोलिए। मैंने तुझे थोड़ी सी शादी करने के लिए तो बोला है, कर लेना। देखो मेरा मन कर रहा है गाली देने का। आ रही है बहुत जोर की, आ रही है बहुत जोर की, लग गई है मुझे गाली, लग गई है मुझे बहुत जोर की, लेकिन दे नहीं सकती ना, बुरा मान जाएंगे। ये थोड़ी सी शादी होती है क्या? सात की जगह बस दो फेरे लगते हैं। लड़का लड़की को घर तक नहीं लेके जाता, रास्ते तक ही लाता है। शादी में मेन कोर्स नहीं, सिर्फ स्नैक्स मिलते हैं। बच्चे पैदा नहीं होते, सिर्फ पेट में रह जाते हैं। नहीं मुझे बताओ, यही होता है क्या थोड़ी सी शादी का मतलब? मतलब कुछ भी। जब तक मैं अपने लाइफ की सीढ़ी नहीं चढ़ लेती, तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे हाथ में नहीं है, जा गटर में कूद के मर जा। गुड आइडिया। सुनिए जी, आप कौन? जी मैं लकी जी, जो सबसे शादी करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि जब तक मैं अपने लाइफ की सीढ़ी नहीं चढ़ लेती, तब तक मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। अच्छा ये बात है, अपनी आँखें बंद करिए। वाह वाह, इसकी माँ का समोसे का आलू। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। जहाँ दिख जाता है ना, मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। बहन इसी सीढ़ी का इस्तेमाल करके आसमान पार करके किसी दूसरे ग्रह पे चली जा, वहाँ आपको आपके ऐसे विचित्र प्राणी मिल जाएंगे, उनके साथ मस्त आराम से मिथुन दवा डांस करना। गंगा नहीं देना, मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा जल्दी बोलो, टाइम नहीं है। हाँ भाई इसके पास टाइम नहीं है, जमीन पे लेट करके हाथ खुजा रही है। उसी हाथ से लाइफ की सीढ़ी चढ़ के धरती पार भी तो करनी है। बताओ लड़के वाले बस आते होंगे, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। ठीक है, हम देख लेंगे लड़के वालों को। ठीक है, तब तक मैं एक नींद मार लेती हूँ। रचना लगता है लड़के वाले आ गए। चल सर, तुम्हारे इन हरकतों की वजह से ना भगवान भी ना तुम्हारे से लोगों के मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की सोच रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं इनसे अच्छा गधे को और बनाया जाए, कम से कम वो धरती में जाएगा तो काम तो आएगा किसी के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लकी जी आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। अरे मैं स्मार्ट हूँ तो स्मार्ट नहीं लगूंगा। अच्छा लकी जी, हम दोनों आपको पसंद है कि नहीं? मेरा दिल कह रहा है मेरी लाइफ में आप दोनों से अच्छा कोई नहीं आएगा। तीन खून माफ कैसे होते हैं? म्यूजिक। बच्चे से लेकर बुढ़े तक सबको शादी करनी है, वो भी एक नहीं दो दो। इस जनरेशन के बाद माँ बाप नहीं कहलाएंगे, मामा बाप या बाप बाप माँ कहलाएंगे, श्रद्धा अनुसार जिसके जितने हो। रचना शिफाली क्या हुआ, तूने अपने चेहरे पे हाथ क्यों रखा? जैसे तुम्हारी हरकत है ना, मुंह पे हाथ मत रखो, मुंह पे काम करो, बक्सा रखवा लो और उस पे वेल्डिंग करवा के उसको परमानेंट कर दो। लोगों को बिल्कुल पता ही नहीं चलना चाहिए कि ऐसे भी कोई मंदबुद्धि लोग हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। गायब कर लो खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रचना आज मुझे बहुत शर्म आ रही है, हम दोनों को लड़का दिखने आने वाला है। बेटा मक्के के जैसे बिना क्यों रहे हो, दमाद जी आगे चलो। अबे बंद कर दो अपना ये धरती का बोझ हिलाना,
बंद कर दो भाई, मेरा सर चकरा गया ये हिलता बदन देख देख करके। ज्यादा हिलोगे बस अब धरती में खड्डा ही हो जाएगा, तेल निकल आएगा। रुक जाओ, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। अरे शिफाली क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं रचना, तू ठीक तो है ना? शिफाली तुझे क्या हुआ है बताएगी? तू मेरी शादी किसी लड़के से करवा दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। यही रूप में लड़के ढूंढ कर आती हूँ। बहन तो डॉक्टर ढूंढ के आना, बहुत जोर से तुम्हें अकल की जरूरत है। कैसे कैसे बेवकूफ लोग हैं, इनको हर वीडियो में शादी करनी है, इसीलिए तो कहीं हर वीडियो में नहीं बोलते कि थोड़ी सी शादी कर लेते हैं, थोड़ी सी शादी कर लेते हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा करके एक बार को पूरा हो जाए वो। हैं क्या कह रहे हो भगवान, आप स्वयं आ रहे हो इनको खत्म करने? रहन दो भगवान जी, इनका भरोसा नहीं है, आपसे भी कह देंगे कि थोड़ी सी शादी कर लो। अरे पागल है साला, ये थोड़ी सी शादी तो ऐसे मांगते हैं, ऐसे भीख मांग रहे हो, थोड़े से पैसे दे दे यार। यही तो कयामत है। तो ये क्या शादी करने के लिए? लकी जी तो मेरे पति, मैं शिफाली की शादी कैसे करा सकती हूँ? लेकिन शिफाली भी तो मेरी फ्रेंड है। लकी जी क्या हुआ रचना, आपको शादी करनी है? किससे? मेरी फ्रेंड शिफाली से। तो किस बात की देरी है, ठीक है जल्दी चलो। शादी के सीजन में 5 लाख करोड़ का मार्केट है, जिसमें से 4 लाख करोड़ की शादी यही लोग कर लेते हैं। इनका अरेंज मैरिज नहीं है, ना ही लव मैरिज है, इनका भैंस क्या गठबंधन है। अब मैं ठीक हो गई, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? जी हाँ, मेरा तो जोर जोर से मन कर रहा है शादी करने को। तो जोर जोर से मन नहीं करता, जोर जोर से सुसू आती है सिर्फ। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि फोन से ही तुम घर का पंखा, लाइट, फ्रिज बंद कर सकते हो। मैं तो अब उस दिन का वेट कर रही हूँ जब मैं अपने फोन से इसके घर का इंटरनेट बंद कर दूं। ना रहेगी बांस ना बजेगा बांसुरी। एकदम सही है यार, मैं इसके वजह से लकी जी और रचना साथ नहीं जा पाई। वो लोग मेरे बिना वहाँ कितना एंजॉय कर रहे होंगे, और मैं यहाँ इस बच्चे को। तेरी तो, अब मैं चलती हूँ रचना लकी जी के पास। बस ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें फेंक देना चाहिए था, आज फिर हम लोग के जीवन में शांति बनी रहती। पीछे से यार बस एक गाड़ी ही आ जाए, फिर उड़ती रहेगी जैसे टैडी बच्चा उड़ाया है। अरे वाह गुड आइडिया। बहुत पहले की बात है जब धरती पे शरम ने जन्म लिया था, लेकिन इनकी वीडियो देखने के बाद शरम ने भी आत्महत्या कर ली है। ओके बाय। रचना रचना कहाँ हो यार, हम घूमने आए हैं। बस आ गई लकी जी, चलिए। तुम इतना लेट कैसे हो गई? वो लकी जी मुझे शिफाली की याद आ रही थी। शिफाली की याद तो मुझे भी आ रही है, लेकिन बच्चे को संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए। वो वहाँ बच्चे को लेके बाहर संभाल रही है, और ये लोग अपने ही घर में घूमने आए हैं। ये क्या हो गया? मैं लॉजिक ढूंढी की रही हूँ इनकी वीडियो में, मैं तो भूल ही गई थी। लॉजिक डाइड व्हेन शिफाली फर्स्ट क्राइड। शिफाली दोस्तों, शिफाली नॉट शिफाली, शिफाली शिफाली। रचना मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हम लोग लकी जी के घर पे जा रहे हैं, उनके माँ से रिश्ते की बात करने। अब चलना शिफाली, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। चल। रिश्ता कराने का तरीका बड़ा कैजुअल है, दीदी ने पहले ही गले में पलटा लटका लिया। अच्छा होने वाले पति को मारने का काम आएगा, इसीलिए तूने सही पकड़े हैं। मैं तो कहती हूँ इनका पलटा छीन करके इन्हीं को दो दो लगा देना चाहिए, क्या पता इनका दिमाग ठिकाने आ जाए। क्योंकि देखो यार, इनका दिमाग ठीक करने के लिए डॉक्टर्स को भी अलग तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो रिसर्च कर रहे हैं अभी इन दोनों के ऊपर, समय लगेगा थोड़ा सा। हम बेटी कर रहे थे। रोहित मेरा जादू के आने से पहले भी इनसे ज्यादा दिमाग रखता था। तेरे नाम मूवी में सलमान खान ठीक हो गया था भाई, पर वो इनको देख के कहता कि छोड़ो यार, अगर रियल वर्ल्ड में ऐसे लोग रह रहे हैं तो मैं पागलखाने में ही ठीक हूँ, मुझे वापस भेज दो। ओके सो दैट इज इट टुडे गाइस, होप आप लोग वीडियो पसंद आई, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, प्लीज सब्सक्राइब करा दो और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।